जैसे चिकन वगैरह खाते हैं, आप ध्यान देना, वो फेदर को उतार देते हैं, पंख को उतार देते हैं, उसके बाद स्किन को हटा करके फिर मांस खाते हैं। फेदर वो नहीं खाते और फेदर खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बेटा जो भी केराटिन वाली चीज़ें हैं, चाहे बीटा केराटिन हो, चाहे अल्फा केराटिन हो, चाहे आपका बाल हो, चाहे चिड़िया का पंख हो, चाहे गाय भैंस का हूफ खुर या सींग हॉर्न हो, आपका नाखून हो, ये सब केराटिन प्रोटीन से बने हैं। इनको बेटा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ध्यान देना, केराटिन प्रोटीन हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये ईटेबल नहीं होता। अगली चीज़ बाल, हेयर के बाद यहाँ से हम आगे आते हैं, ये आँख है हमारी। स्टडी ऑफ आई क्या होती है? स्टडी ऑफ आई होती है ऑप्थेल्मोलॉजी, स्टडी ऑफ आई। लेकिन आई के विजन से रिलेटेड जो हम लोग टेक्निक यूज करते हैं उसे कहते हैं ऑप्टोमेट्री, वो अलग चीज़ है, इधर ध्यान देना, वो विजन से रिलेटेड होता है, आई से रिलेटेड नहीं होता, ठीक है, ध्यान देना। तीसरा, आँख के बाद हमारे पास है कान। कान के स्टडी के लिए हमारे पास है ओटोलॉजी, ये कान ओटोलॉजी। इसके बाद हमारे पास है नाक, राइनोलॉजी, नाक के लिए राइनोलॉजी, आपने सुना होगा ना, गैंडा क्या बोलते हैं उसका नाम, राइनोसेरस, हाँ राइनोलॉजी नाक। और आपको बताएं, दुनिया में सबसे पहली, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली जो सर्जरी हुई थी, सबसे पहला आर्टिफिशियल ऑर्गन बनाया गया था, वो थी नकली नाक, और वो काम किया गया था इंडिया में। हाँ, ये हम आपको बता दें बेटा, हमारी साइंस बहुत पुरानी है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के हम थे, बट क्या हुआ, कैसे हुआ है मुझे नहीं पता, बट आपको बता दूँ कि राइनोलॉजी स्टडी ऑफ नोज और पहला राइनोप्लास्टी जो नकली नाक लगाया गया था, वो हमारे इंडिया में ऋषि सुश्रुत साहब थे, सुश्रुत संहिता आती है जिसपे सर्जरी हमारी बेस्ड हुआ करती थी, तो उन्होंने सबसे पहली बार किया था, इट इज़ स्टडी ऑफ नोज। इसके बाद स्किन, हमारे पास जो स्किन है उसकी स्टडी है डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन। बेटा देखो, जिसके बाल सुंदर हों, आंखें अच्छी हों, कान बढ़िया काम कर रहा हो, नाक सुंदर हो, सेफ हो, और स्किन अच्छी हो, क्लीन हो, बिना डिजीज वाली हो, तो ऐसा इंसान क्या होगा, सुंदर होगा, ब्यूटीफुल होगा। और बेटा स्टडी ऑफ ब्यूटी किसे कहते हैं, कैलोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्यूटी हो गया। बेटा ब्लड की स्टडी हेमेटोलॉजी, बोन की ऑस्टियोलॉजी, हार्ट की कार्डियोलॉजी, और स्किन की डर्मेटोलॉजी हो ही गई। इस तरह हमारे पास बहुत सारी है अभी अंदर, तो वो आगे सिलेबस में आएंगी, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, बस आज ये इंट्रोडक्शन आपका हो गया। अब अगली वीडियो आपको जब मिलेगी उसमें हमें कोई टॉपिक शुरू करेंगे। चलो आगे मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।